नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शनिवार से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। महारानी अस्पताल जगदलपुर के टीकाकरण कक्ष में आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। पहला टीका महारानी अस्पताल के स्टाफ नर्स दीपिका ठाकुर दवे उम्र 36 वर्षीय को लगाया गया। दूसरा टीका मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सफाई कर्मी अशोक बघेल उम्र 28 वर्षीय। तीसरा टीका महारानी अस्पताल के ANM श्रीमती हिना ठाकुर को लगाया गया है। टीकाकरण का अभियान चल रहा है और इस अभियान में 3 करोड़ जनता लाभान्वित होने वाली है। आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में एक कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है और इसमें प्रथम वरीयता में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों को प्राथमिकता के तौर पर टीकाकरण का काम शुरू हुआ है और बहुत ही संवेदनशीलता वाली काम है ये। वैक्सीनेशन को कैसे सुरक्षित रखना, उसको पंजीयन करना, सब तरीके से परिपूर्ण करने के बाद ही ये वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है और जगदलपुर संभाग मुख्यालय में 5,540 डोज कोरोना वैक्सीनेशन का पहुंचा है और आज 100 लोगों को चिन्हांकित करके सुबह से शाम तक निर्धारित टाइम है वो काम चलेगा। और ये अच्छी बात है कि जनता इस बात को लेकर परेशान थी कि कोविड महामारी को लेकर, तो एक वैक्सीनेशन आया और देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि पूरे विश्व में भारत ने स्थान बनाया कि वैक्सीनेशन का आविष्कार करके, और निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा जनता को। और इसके बावजूद भी कोरोना के जो नियम थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तो कंपलसरी लगाना ही है और ये 2 डोज में लगने का है, जैसा हमारे चिकित्सकों ने बताया कि आज जिनको लगेगा फिर 4 हफ्ता बाद इनको दूसरा डोज लगेगा। जनप्रतिनिधि के नाते क्या अपील करेंगे? मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, क्योंकि ये बीमारी विश्वव्यापी है और हम सब इससे बचने के लिए जो मापदंड है, सोशल डिस्टेंस हो, मास्क हो, उसका पालन करें, भीड़ से बचें। और क्रमशः जैसे जैसे सरकार के द्वारा ये चीज़ें होगी, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार, जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही आप मीडिया के साथी रहे हैं कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना।